इस संस्था के नाते मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। एक परिवार के नाते, एक आदिवासी होने के नाते मैं जय जोहार बोलता हूँ। जय जोहार, जय जोहार। तो सर, GSS कंपनी का नाम है GSS और उसका पूरा नाम है जनरेशन स्पॉन्सर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हेड ऑफिस सागवाड़ा, एटी कॉम्प्लेक्स बेसिक के सामने सागवाड़ा। नाथूला जी सर गए हैं, अब भी गए हैं। हाँ। तो सब वहाँ पर अनुभव ले गए, सर ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया है और अनुभव के बिना कोई भी व्यक्ति काम स्टार्ट नहीं करता। कंपनी की जब शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 2019 को, तो करीब करीब एक या डेढ़ महीने में मेरे पास प्लान आ गया। स्टार्ट होने के डेढ़ महीने में मेरे पास प्लान आ गया। प्लान भी आ गया था तो कुछ कुछ साथी थी अपने वहाँ थे डूंगरपुर में, उन्होंने भी मेरे को फोन करके बताया था कि ये प्लान है और आप करो। फिर अभी सर ने बताया बच्चन जी ने कि जब तक साल या छः महीना साल भर नहीं हो जाए तब तक कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, बराबर जी। तो मैंने तब प्लान आया था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया सर। फिर एक साल लगभग आठ एक महीने बाद सर का फोन आया सीधा, राजेश जी सर का मेरे ऊपर, कि भीमसेन जी कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर घर पे ही हूँ, मस्त हूँ। तो एक बार मिलना था सर, मैंने कहा सर बिल्कुल बधाई दी। तो सर एम डी सर मेरे घर पे आए थे, प्रसाद जी साथ में थे और फिर आके मेरे नाम बताया, प्लान समझाया मेरे को। समझाने के बाद मेरी ज्वाइनिंग लगने के बाद फिर मेरे काम स्टार्ट नहीं किया सर। चुनाव का माहौल चल रहा था तो पंचायती राज का, मैं भी एक चुनाव लड़ा था, उसके सिलसिले में कहीं बिजी था तो मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन आईडी मेरी उसी वक्त चुनाव के टाइम में लगी। तो सब मामला ख़त्म होने के बाद में फिर अब स्टार्ट करने का इरादा था, इतने में लॉकडाउन लग गया। 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर भी मैं तो बैठा ही रहा, फोन आते रहे सर के, ये सी सर के भी आए, वहाँ से भी आए, साथियों के भी आए, कर क्या सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर धीमे धीमे मामला हलवा हुआ और 11 तारीख से मैंने काम स्टार्ट किया सर। 11 तारीख, आज कौन सी तारीख है, 14 11 से 14, यानी एक महीना नहीं, 3 या 4 दिन, 1 महीना 3 4 दिन हुआ सर, 1 महीना 4 दिन। 11 तारीख से मैंने काम किया है, आज 11 जुलाई, हाँ 11 जुलाई, ये 11 तो आज 1 महीने और 4 दिन, 1 महीने और 4 दिन में मेरी इनकम 18,900 रुपया सर, मेरा स्टेटमेंट आप देख सकते। तो कंपनी पैसा दे रही है सर, वेलकम टू जनरेशन स्पॉन्सर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये उनकी वेबसाइट वगैरह है, एटी कॉम्प्लेक्स सागवाड़ा। प्लान स्टार्ट होता है, प्लान तो सर ने पूरा शो कर दिया है, ये आवाडी वाले हैं पूरे। जैसे जैसे अपना लेवल पूरा होता जाएगा वैसे वैसे अपन को ये सारे चीज़ें उपलब्ध होंगी और ये कंपनी के रिजल्ट होंगे। आप तो शायद ऑफिस में जाके सर ने भी बताया होगा, आपने आपके पास PDF भी होगी, ये मतलब रिकल तरीके से काम कर रहे हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात, अपन किसी व्यक्ति को झूठ बोल के काम नहीं करवाना, खास बात। देखिए नथुलाल जी अगर किसी बंदे को बोलते कि अरे यार आजा दो ही बंदे लगाने हैं और तेरे को कुछ नहीं करना है, बराबर। अब दो बंदे ऐसे उसने लगा दिए किसी से, सीताराम जी और रमन जी, वो लगा दिए, देखिए उसका एक एक पेड़ तो आ जाएगा, उसके बाद में ये बंदे भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसको इनको ये बोला था कि दो बंदे लगाना आपको कुछ नहीं करना। अब यही बोलेगा कि दो बंदे लगाना कुछ नहीं करेगा, लेकिन इनके पास दो बंदे नहीं आए तो ये दो बंदे भी कुछ नहीं करेंगे, ये बंदा भी कुछ नहीं करेंगे, तो आप भी बैठे क्योंकि ये काम नहीं करेगी। तब उनको सिस्टम से काम करना है। फर्स्ट राहुल जी सर, सेकंड नंबर हीरालाल जी, तीसरा नंबर का सीताराम जी। अब ऐसे कड़ी से कड़ी चलती जाएगी एक लाइन को, बराबर। अब हीरालाल नाथूलाल जी जब उनकी साइट खोलेंगे, साइट खोलते ही ये जोड़ी मैच हुआ, जोड़ी मैच होते ही यहाँ पर 1000 का केव निकलेगा, 5% TDS और 10% एडमिट, यानी 1000 में से 150 रुपये कट जाएगी, बचेंगे 850। अब वो अपने अकाउंट में आ जाएगी, तो अपन को इस तरह से सिस्टम से बताना है, कोई अपन को झूठ नहीं बोलना, और प्रोडक्ट के बारे में कोई भी झूठ नहीं बोलना। जो भी प्रोडक्ट अभी कंपनी में अवेलेबल हैं, जो अपन को अभी मिल सकते हैं वही अपन बताएंगे, क्योंकि अपन जो नहीं है वो चीज़ अपन बोल देंगे मार्केट में तो लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे कि आपने क्या बोला था, ये तो है नहीं, फिर अपन कुछ जवाब देने के लायक नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपन ट्राई को करते रहे, इस तरीके से फिर यहाँ से भी पता आएगा तो 3000 रुपये निकल जाएगा, इस तरीके से यहाँ भी यहाँ 50 और यहाँ 50 आपकी आईडी गोल्ड पर निकल जाएगी। गोल्ड पे जब जोड़ी में होगी तब यहाँ पर 1500 रुपये मिलेगा, वहाँ पर 1000 मिलेगा था, यहाँ पर 1500 में तो ही सिस्टम है, 5% TDS 10% एडमिट, और गोल्ड के बाद जब गोल्ड जोड़ी मैच होगी तब 10-10 50 की जरूरत नहीं है, वहाँ पर 10 गोल्ड जोड़ी मैच हो गया, 10 इधर 10 इधर, तो आईडी डायमंड निकल जाएगी, और डायमंड में भी वही सिस्टम 10 डायमंड इधर 10 डायमंड इधर, रोल डायमंड, और रोल डायमंड अपना लास्ट टेस्ट है, इसके बाद में अपन को कोई नहीं करना। सर ये कंपनी कौन से सिस्टम से काम कर रही है? बाइनरी सिस्टम सर, बाइनरी सिस्टम, बिल्कुल राइट सर का सवाल आया, अगर किसी का भी सवाल आ सकता है तो पूछ सकते, बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है सर, पर भी मना सकता हूँ। यहाँ पर सर की ज्वाइनिंग लगी, सर ने यहाँ पर कंपनी का सिस्टम बोल रहा है सर, फर्स्ट रेशो 2:1 जो कंपनी का जो रूल से कह रहा है उसके आधार पे ही अपन को काम करना है, गलत काम कोई नहीं करना है। कंपनी का रेशो है 2:1 फर्स्ट रेशो, मतलब एक साइड दो एक साइड एक फर्स्ट रेशो बनता है, और पहला पे आउट निकलेगा 1000 का 2:1, और इसके बाद में 1:1, इसके बाद में नीचे जो पेयर बनेंगे वो 1:1, एक साइड इधर एक साइड इधर, बराबर।
सेम रेट में इंडिया ने 150 रुपया कर जाएंगे 885 रुपया बचा वो अपने सीधे अकाउंट में दे। इसके बाद में नीचे जो जोड़ी पड़ेगी अपनी वो एक 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 इधर एक इधर इसके बाद में एक एक ही फर्स्ट पे आउट फर्स्ट अपना रेशो बनेगा 2:2 बन पाए बराबर। अब कंपनी आ गया ये पेयर पीवी पेयर आर एस 1000 है।